अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रैकून मीडिया स्किल्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल इस्टेट लीड जनरेशन प्रोग्राम से रिलेटेड। मार्केट के अंदर रियल इस्टेट से रिलेटेड जो कैंपेन्स रन की जा रही हैं, वो फेसबुक के थ्रू हो, वो YT पे हो, वो ट्विटर पे हो, या लिंक्डइन पे हो, इंस्टाग्राम पर हो, वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि एक तो आपकी CPC PPC बहुत हाई जा रहा है, सेकंड आपके पास रैंडम ऑडियंस उठकर आ रही है। अब करना क्या है? करना ये है कि जिस तरीके से फनल्स बना के पूरा डेटा बनाया जाता है, ठीक है, और फेसबुक को दिया जाता है कि फेसबुक भैया इसके ऊपर हमारे ऐड आप रन कर दो, सेम एज इट इज़ डेटा बनाया जाएगा, सेम एज इट इज़ क्रिएटिव तैयार किए जाएंगे, कॉपीज तैयार की जाएंगी, बट जो डेटा होगा उसको हम मैन्युअली अप्रोच करेंगे, ठीक है, हम उसके ऊपर एड्स नहीं चलवाएंगे। लेट से कि मैंने जब फनल स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू किया तो मैंने अपने पास डेटा बनाया 2000 ऑडियंस का, 5000 ऑडियंस का, ठीक है, जो मैंने डेटा बनाया है, अब उस डेटा के ऊपर मैं मैन्युअली, ठीक है, अपने पैकेजेस फॉरवर्ड करना शुरू करूंगा थ्रू ईमेल्स, व्हाट्सएप, ठीक है। अब बात एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि मैं अक्सर जो है ना ये चीज़ें मैंने डिस्कस की, कम की हैं लेकिन अक्सर की हैं, कि हम जब स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उसके अंदर हम जो डेटा बनाते हैं, लेट से कि मैंने 10,000 बंदों का डेटा बनाया और मैंने फेसबुक को दे दिया कि अब इसके ऊपर ऐड आपने रन कर देना है, फेसबुक क्या करेगा, उस डेटा का 20%, उस जो मैंने डेटा दिया है उसका 20, उसके 20% डेटा के ऊपर एड को रन करेगा और उससे रेलेवेंट ऑडियंस को भेजना शुरू कर देगा। परफेक्ट पूरा जो डेटा दिया है ना उसके ऊपर नहीं चलाएगा एट अ टाइम, ठीक है, क्या करेगा, 20% उठाएगा जो ऑडियंस मैंने उसको दिए, 20% लेगा और उसके ऊपर काम शुरू करेगा, फिर उससे रेलेवेंट ऑडियंस के ऊपर स्टार्ट कर देगा। लेकिन ऑर्गेनिकली क्या, अगर मैंने 10,000 का डेटा बनाया, मैंने 50,000 का डेटा बनाया, मैंने 1,00,000 ऑडियंस का डेटा बनाया, तो मैं उनको मैन्युअली अप्रोच करना शुरू कर दूंगा। और एक बार याद रखिएगा कि पेड मार्केटिंग और ऑर्गेनिकली मार्केटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है, वर्किंग क्राइटेरिया का फ़र्क है, ऑडियंस को टारगेट करने का फ़र्क है, ठीक है। पेड के अंदर क्या होता है कि मैंने ऐड बनाया, मैंने फेसबुक को पैसे दे दिया, फेसबुक खुद अपने एतवार से टारगेट कर रहा है जो मैंने ऑडियंस दे दी, ठीक है। लेकिन जब हम ऑर्गेनिकली आते हैं तो वहाँ पर आके हमें मुख्तलिफ ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ती हैं कि मेरी ऑडियंस के पास जब मेरी चीज़ जाए तो वो इंगेज्ड हो। रीज़न क्या है, एक तरफ ऑडियंस खुद आ रही है चल के, एड पेड एड चल रहा है ना, ऑडियंस देखती है, अप्रोच कर लेती है। सेकंड क्या होता है कि हमने जो डेटा बनाया हम खुद ही उनके तक अप्रोच कर रहे हैं ऑर्गेनिकली, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम गेनिंग आपका ऑर्गेनिकली के अंदर है, लेकिन सबसे अच्छे और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हैं। आप रियल इस्टेट की बात करें तो रियल इस्टेट के अंदर बज़ाहिर खुद हम, मेरी टीम ने खुद भी और अदर जो लोग काम करते हैं जिनको जानते हैं जो पढ़ के जो है ये वर्किंग कर रहे हैं, महीने के अंदर मींस के 30 डेज के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कवर अप कर चुके हैं। बट ऑर्गेनिकली के अंदर आपको टाइम देना होता है और अच्छा टाइम देना होता है। 15,000 मंथली लीड्स मैंने मेंशन की है फनल स्ट्रक्चर्स बना के आप यूज़ करते हैं तो 15,000 बहुत कम है। 15,000 लीड्स आप दो बंदे बिठाते हैं अपने पास इन हाउस, वो आपकी 15,000 लीड्स निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये आता है कि 10 दिन काम करते हैं, 20 दिन काम करते हैं, रिजल्ट्स सामने नज़र नहीं आते तो काम को छोड़ देते हैं कि नहीं यार पेड की तरफ चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? पेड चलाने के बाद भी आपने पूरे पूरे महीने ऐसे गुजारे होंगे और यकीनन गुजारे, ठीक है, तो काम की नोयत को समझकर काम करना है। बाकी वीडियोस चैनल के ऊपर अपडेट हैं, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, प्रॉपर लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। थैंक यू।